3x square minus 9x plus 5 whole to the power 9। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले देखो, इसको कंसिडर करो कि ये मान लो कि x है या t है ना, x है या t है, मान लो कि इसको t ले लेते है ना। लेट 3x square minus 9x plus 5 equals to t। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट इसको भी कर लो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया आपका 3 टू जा 6x minus 9 equals to dt over dx विथ रिस्पेक्ट टू x किया आपने, तो dt over dx, तो यहां से हो गया 6x minus 9 times dx equals to dt, उसकी जो होती है dt by dx, बस इतना काफी है। ठीक है, तो y equals to आपका हो गया y equals to t की पावर 9, differentiating with respect to x, तो dy over dx equals to, ये t का फंक्शन है, 9 t की पावर 8 हो जाएगा, है ना, एक पावर रिड्यूस हो जाता है ऊपर में, 9 minus 1 8 है ना, एन एक्स कौन सा प्रॉपर्टी, x टू दी पावर n का डेरिवेटिव हमारा होता है n x n माइनस 1, तो t टू दी पावर 9 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, n, n की जगह 9 t 8, ये हो गया। ठीक है, इनटू dt by dx क्या कहते हो, है ना, इनटू dt by dx, क्योंकि आपने विद रिस्पेक्ट टू x किया, हां x के रिस्पेक्ट में किया, तो dt by dx की जगह आप रख दो 6x minus 9, बस सिंपल सी बात है, इसकी जगह रख दो, तो यहां पर हम रख देते हैं dy by dx equals to 9t, t की वैल्यू भी रख दो, t की वैल्यू क्या है हमारा, 3x square minus 9x plus 5, इसका पावर क्या लेना है, इसका पावर 8 हो गया, और dt by dx हमारा क्या है, 6x minus 9, यही आंसर हो गया, बस आसान था, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप चाहो तो, डायरेक्ट भी कर सकते हो इस काम को, करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ पार्ट को लिखना है, लिखना था तो अब बाद में लिखना, पीडीएफ चला जाएगा आपके पास, तब लिखना, अब लिखना शुरू करो, जो छूट जाएगा उसको बाद में लिखना, अब लिखना शुरू करो आप साथ साथ। मेरे को एक डाउट था क्वेश्चन में, डाउट था, चलो डाउट ले लेता हूँ पहले, आप डाउट पहले, तो मैंने कहा हुआ है कि डाउट जो है, क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले थे हम, क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले थे, वहीं से शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन 4 हमारा है y equals to साइन इनवर्स x रूट x, x स्क्वायर रूट ऑफ x, ऐसा ये है, तो क्या करेंगे इसके, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, मैंने तो dy by dx equals to 1 over square root of 1 minus x square root of x square, और फिर x root x का derivative भी निकालोगे, तो x root x का derivative क्या हो गया, d by dx, और x की power 3 by 2, है ना, x root x को क्या लिख सकते हैं, x root x को क्या लिख सकते हैं, x की power 3 by 2, है ना, तो क्यों multiply किया, क्योंकि chain rule में फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन है तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये dy by dx आपका हो गया, यहाँ से dy by dx equals to 1 over square root of 1 minus x cube, और इसका डेरिवेटिव 3 by 2
एक्स की पावर 3/2 माइनस वन, तो यहां से आपका हो गया डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 3/2, आप बाहर ले लो इधर, एक्स की पावर 3/2 माइनस वन को क्या लिखेंगे, रूट ओवर एक्स लिखेंगे, और इधर 1 माइनस एक्स क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। आंसर चेक कर सकते हैं पीछे से। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बताऊंगा इसलिए कि इससे दोनों काम हो जाएगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री भी हो जाएगा रिवीजन आपका और डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा। डिफरेंशिएशन का काम बहुत कम है इस क्वेश्चन में और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का काम बहुत अधिक है। क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं हम, वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन नंबर 6। y इक्वल्स टू cot इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस sin x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस sin x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin x। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। 1 प्लस sin x को लिख सकते हैं हम, 1 प्लस sin x को लिख सकते हैं, 1 प्लस sin x को लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस sin स्क्वायर x बाय 2 प्लस cos x बाय 2, 2 cos x बाय 2 sin x बाय 2। 1 के लिए लिख लिया cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस sin स्क्वायर x बाय 2, और sin x के लिए लिख लिया, और sin x के लिए लिख लिया 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2। 1 के लिए लिख लिया cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस sin स्क्वायर x बाय 2, और sin x के लिए लिख लिया 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2। ये आइडेंटिटी है, 1 का आइडेंटिटी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और sin x का आइडेंटिटी 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2 ऐसा। तो फर्दर इसको लिख सकते हो आप क्या, cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। और अगर आप रूट लोगे, क्योंकि रूट के अंदर है, रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस sin x ये रूट के अंदर ले लो आप, तो रूट से स्क्वायर ये कट जाएगा, तो ये हो गया आपका cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2। Similarly, root over 1 minus sin x, ये हो जाएगा आपका cos x by 2 minus sin x by 2। Clear है यहां तक? पीछे जो हमारा है expression नहीं equation, तो वहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स की जगह कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स की जगह कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वाई इक्वल्स टू कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2, और नीचे आपका डेनोमिनेटर में कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाय 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दो, तो ये आपका क्या बच गया, कॉट इनवर्स 2 कॉस एक्स बाय 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाय 2, 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से आपका वाई इक्वल्स टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाय 2 आ गया। और आपको पता है कॉट इनवर्स कॉट एक्स क्या होता है,
एक्स होता है, तो ये एक्स बाय टू हो गया। तो वाई इक्वल्स टू एक्स बाय टू, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वन ओवर टू। यहीं पर आपका आंसर होगा खत्म, ठीक है। ये आपका आंसर होगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वन ओवर टू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 और 14। 13 इम्पोर्टेंट है, 14 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन करेंगे। बीच के क्वेश्चन होमवर्क में आप करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, नोट डाउन करना था क्या? तो नोट डाउन करिए आप। तो यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे हम, जैसा कि हमारी डील हुई थी पक्की की, क्वेश्चन नंबर करेंगे 13। क्वेश्चन 13 है आपका, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स If y equals to sine inverse x plus sine inverse square root of 1 minus x square, 0 less than x less than 1। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आंसर भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। तो वाई है आपका, वाई है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, y का आपका हो गया dy by dx equals to sin inverse x का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 बन अंडर रूट 1 माइनस x। हां जी, और प्लस यहां पर सेम रूल अप्लाई करेंगे 1 माइनस, और x की जगह आपका क्या है, रूट 1 माइनस x स्क्वायर, रूट 1 माइनस x स्क्वायर होल स्क्वायर। सिंस x की जगह आपका रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो उसके डेरिवेटिव से हम करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आगे की कहानी इस तरह से है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वन ओवर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि ये रूट जो है स्क्वायर रूट, वो स्क्वायर से कैंसिल है ना, पता है आपको ये सारी चीजें, नई बात है नहीं। रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वन ओवर टू रूट टू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, एंड नेगेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नेगेटिव टू एक्स। ये टू और टू कैंसिल हो गया, ये टू और टू कैंसिल हो गया। आगे की कहानी इस तरह से है कि dy by dx equals to 1 over square root of 1 minus x square plus 1 over square root of 1 minus 1 minus minus plus, देखो 1 minus 1 और minus minus plus x square प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। और मल्टीप्लिकेशन में हमारा क्या था, ये था माइनस एक्स बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या मजेदार आंसर आएगा इसका, प्लस वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस वन बाय एक्स इंटू माइनस एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, बचा क्या? हाँ जी, क्या बचा? बाबा जी का टुल्लू, कुछ नहीं बचा, जीरो बचा, जीरो, ये दोनों भी कैंसिल आउट होकर के जीरो, तो इसका आंसर है जीरो। इसके बाद जो क्वेश्चन है 14, ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट।